हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। अभी सीधे आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। तो आज हम लोग बात करेंगे इंफोसिस लिमिटेड के बारे में। तो देखिए, ये शेयर आपका पिछले दिन क्लोज हुआ था 3263.15 पे, हाई गया था 3339 एंड लो गया था 3221.25। ओके, फिनस्टार ने इस कंपनी को 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। ये एक बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी है। इसका जो टोटल मार्केट कैपिटल है वो आपका है 61,191.59 करोड़। एंटरप्राइज वैल्यू है इस शेयर का आपका 60,725.89 करोड़। ओके, और कंपनी के ऊपर अभी आपका डेट है 188.11 करोड़। मतलब इसका जो डेट इक्विटी रेशियो आ रहा है वो एकदम ना के बराबर, मतलब 0.04। किसी भी कंपनी का अगर डेट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे 1 से बहुत ही कम है। और एक अच्छा चीज देखिए, कंपनी के पास अभी आपका कैश है 653.80 करोड़। मतलब कंपनी के पास इतना ज्यादा कैश है, इतना सफिशियंट कैश है, कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 188.11 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। अर्निंग पर शेयर है इस शेयर का ₹66। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी आपका है 28.22%, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेल्स ग्रोथ इस कंपनी में इस साल में आपका हुआ है 27.93% एंड आरओसी आपका 35.62%, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। और प्रोमोटर्स का होल्डिंग का बात आता है तो इस कंपनी में आपका प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 55.95%। किसी भी कंपनी में अगर प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ऊपर होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं, और यहाँ पे आपका 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, यहाँ पे प्रोमोटर्स का होल्डिंग के अंदर देखिए एफआईआई के पास है आपका 20.85% एंड डीआईआई के पास है आपका 17.95% एंड पब्लिक के पास आपका है ओनली 5.25%। मतलब ओवरऑल अगर प्रोमोटर्स होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए फिनस्टार ने इसको 4 out of 5 का रेटिंग दिया है। अभी हम लोग सीधे चले जाएंगे चार्ट पे। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट देखेंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को एक क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर अपट्रेंड में है, कौन सा शेयर डाउनट्रेंड में है। तो देखिए एकदम शुरू से शुरू करते हैं, लगभग इस जगह से भी पकड़े तो देखिए, ये शेयर इसी साल मार्च का महीने में चल रहा था ओनली 1600 और अभी एक साल पूरा खत्म नहीं हुआ है। मतलब क्या कितना हुआ है आपका, लगभग 9 महीना चल रहा है रनिंग। तो 9 महीने के अंदर ये शेयर डबल रिटर्न दे चुका है, क्योंकि देखिए 1600 से सीधे अभी चल रहा है आपका 3263। मतलब यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली एक अपटर्न दिखाई पड़ रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में। ओके, तो देखिए अभी स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह पे डेली चार्ट में, ये आपका था 2 दिसंबर का दिन, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुआ था और उस कैंडल में सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल दिया था, ठीक है। और उसी कैंडल ने क्या किया था, इस शेयर का जो 100 डेज का मूविंग एवरेज है इसको तोड़ के ऊपर चला गया था। ओके, उसके बाद से देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट हम लोगों को देखने को मिला, लेकिन ये शेयर कभी भी उसके बाद से इसका जो 50 डेज का मूविंग एवरेज का लाइन है इसको तोड़ नहीं पाया। और लास्ट ट्रेडिंग डे में क्या हुआ है, देखिए लास्ट ट्रेडिंग डे में मतलब इस कैंडल ने क्या किया, इसका 50 डेज का जो मूविंग एवरेज था उसको भी तोड़ दिया और उसके ऊपर क्लोज भी किया। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और आज के डेट में ये शेयर आपका 100 डेज, 200 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आरएसआई की बात करें तो देखिए आरएसआई भी 60 के लेवल पे टच कर गया है, और अगर एमएसडी की बात करें तो एमएसडी 0 पॉइंट से ऊपर है एंड लगातार यहाँ पे आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब ओवरऑल अगर डेली चार्ट की बात करें तो ये शेयर मुझे बहुत ही बुलिश लग रहा है। लेकिन और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका वीकली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इसका वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया है बिना इंडिकेटर लगा हुआ। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे इस जगह पे लगभग, ठीक है, आपका 2020 अप्रैल का महीना था, यहाँ पे ये शेयर टॉट ट्रेड कर रहा था ओनली आपका
711 के करीब, ठीक है। और अभी कितना प्राइस है आपका 3263, मतलब अगर आप लोग देखेंगे तो चार गुना से भी ज्यादा रिटर्न दे चुका है। कब दे चुका है? 2020 अप्रैल महीने से अभी तक, जो बहुत ही बढ़िया है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सीधे चले जाएंगे इसका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में, क्योंकि हम लोगों को वीकली चार्ट में यहाँ पे क्लियरली आपका अपटर्न दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए अभी मैं हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे आपका इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे सुपर ट्रेंड ने सेल सिग्नल दिया था, ठीक है। उसके बाद एशियर लेकिन मतलब नीचे और नहीं गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया। लेकिन अच्छा बात, हम लोग हमारे यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं वो पहले सुन लीजिए। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक पिवोट पॉइंट बोलकर जो इंडिकेटर है वो लगा लिया। पिवोट पॉइंट एक सपोर्ट लेवल को हम लोगों को दिखाता है। इसका जो सपोर्ट लेवल था इसको इससे तोड़ के नीचे जा नहीं पाया और फिर से इस जगह पे मतलब जस्ट 3 वीक पहले यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद ए शेयर फिर से अपटर्न हो चुका है। एंड वीकली चार्ट के हिसाब से भी ए शेयर आपका 50 डेज मूविंग एवरेज, 100 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। RSI की बात करें तो RSI आपका बहुत अब तो 60 का जो ऊपर का लेवल है उसको मेंटेन करके चल रहा है एंड बहुत अब तो से आपका 60 का लेवल को तोड़ा नहीं, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। MACD की बात करें तो MACD देखिए 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन इस वीक में बहुत दिनों के बाद मतलब बहुत वीक के बाद इस वीक में हम लोगों को नीचे भी एक आपका पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो वीकली चार्ट का तो यहाँ पे हम लोगों को क्लियरली पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका मंथली चार्ट भी एक बार देख लेंगे। ओके, तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया है। अगर आप लोग इस जगह से देखेंगे मतलब पिछले साल 2020 मई का महीना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म होता, उसके बाद से यहाँ से इस शेयर में हम लोगों को तेजी देखने को मिला, क्योंकि इस उस कैंडल में ऑलरेडी आपका सुपर ट्रेंड ने बाय सिग्नल भी दे दिया था। उसके बाद से शेयर कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ में हम लोगों के यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन ये शेयर कभी भी सुपर ट्रेंड का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ नहीं पाया, तो ये एक अच्छा बात है। अभी लास्ट महीने का बात करते हैं। देखिए अभी ये जो कारण महीना है इसके पहले पिछले महीने में यहाँ पे हम लोगों को भारी गिरावट देखने को मिला था, लेकिन अच्छा बात क्या है, दो अच्छा बात है। एक तो पिवोट पॉइंट का जो सपोर्ट लेवल है इसको तोड़ के इससे नीचे जा नहीं सका, यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। दूसरा चीज क्या है, आपका सुपर 10 का जो सपोर्ट लेवल है उसको भी तोड़ नहीं पाया, जो कि दोनों एक ही रेंज में है लगभग। और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इस शेयर में फिर से हम लोगों को तेजी दिख रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। अगर RSI की बात करें तो RSI भी आपका अबव 60 है, और अगर MACD की बात करें तो MACD भी 0 पॉइंट से ऊपर है। और आज के डेट में मंथली चार्ट में भी ये शेयर आपका 50 डेज, 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मतलब ओवरऑल अगर बात करेंगे तो फंडामेंटली एक अच्छा शेयर है। उसके ऊपर डेली चार्ट, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, तीनों टाइम फ्रेम में ये शेयर मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका कालीन मार्केट प्राइस है लगभग 3263 पकड़ लीजिए, लगभग इसी रेंज में अगर इस शेयर को खरीदा जाए, और आप लोगों का नजरिया मिनिमम का 3 से 4 महीने का है, तो मुझे जो लगता है 3 से 4 महीने के अंदर ये शेयर आपका 3580 का जो टारगेट है वो अचीव कर लेगा। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं और मैं यहाँ पे किसी भी तरीके के कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। आज के लिए इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।